तो यहाँ पे जो है हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम के गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, कहने का मतलब महात्मा गांधी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वर द चीफ वेपन्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी का जो प्रमुख हथियार था, चीफ वेपन्स था, वो कौन क्या था। तो ऑप्शन जैसा कि देख पा रहे हैं, गन्स, नाइफ, लाठी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो जैसे कि जानते हैं जो गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो कहने का मतलब गांधी जी का जो चीफ वेपन्स था वो था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य एवं अहिंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन, सॉरी इंडियन पीपल आर चार्ज्ड ऑफ बीइंग, यानी कि इंडियन पीपल को, भारतीय लोगों को चार्ज किया जाता है, आरोप लगाया जाता है भारतीय लोगों पर क्या होने का। तो भारतीय लोगों पर अनसिविलाइज्ड होने का चार्ज लगाया जाता है, कहने का मतलब आरोप लगाया जाता है, अनसिविलाइज्ड यानी कि असभ्य होने का आरोप लगाया जाता है भारतीय लोगों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी वॉज डैश इन 1948, महात्मा गांधी वॉज डैश इन 1948, महात्मा गांधी को 1948 में क्या कर दिया गया था, उसको शहीद कर दिया गया था यानी उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके लिए जो भी पॉपुलर आदमी होते हैं उसके लिए न किल यूज़ किया था ना मर्डर्ड, उसके लिए होता है एसेसिनेट। तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी वॉज एसेसिनेटेड इन 1948। चलिए देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट है फ्राओस वर द रूलर्स ऑफ विच एंशियंट कंट्री, फ्राओस वर द रूलर्स ऑफ विच एंशियंट कंट्री, यानी फ्राओस जो है वो कौन से प्राचीन देश के रूलर थे यानी कि शासक थे। तो फ्राउज जो है वो इजिप्ट के शासक थे, इजिप्ट को हिंदी में मिस्र बोलते हैं, इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है हु इज़ रेस्टलेस बर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार, ऑथर के अकॉर्डिंग, राइटर के अकॉर्डिंग, इनमें से कौन सा रेस्टलेस बर्ड है यानी कि उसको कभी भी चैन नहीं मिलता है। तो इंडिया, अमेरिका, माइंड या हैन। तो यहाँ पे हो जाएगा माइंड, यानी कि माइंड को कभी भी वो रेस्ट नहीं करता, कहने का मतलब वो उसको जितना वो पाएगा और उतना ही उसकी चाहत बढ़ जाएगी। तो ये इसको रेस्टलेस बर्ड कहा गया है माइंड को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज़ डैश, इंडिया का ये गर्व है, ग्लोरी है, गौरव है, जो ये क्या है, इमूवेबल है। कहने का मतलब इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय जो सभ्यता है वो इमूवेबल है यानी कि चेंज नहीं होता है, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देख करके चेंज नहीं होता, ये क्या है, इमूवेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू डैश रूल, हमारे एंसेस्टर्स पूर्वज जो है वो डैश रूल अपनाए थे, एंजॉय किए थे, तो ट्रू होम रूल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डैश इज़ लार्जली अ मेंटल कंडीशन, इनमें से कौन सा एक मेंटल कंडीशन है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन क्या है, एक मेंटल कंडीशन है, कहने का मतलब अगर आप अंदर से खुश रहेंगे तो बाहर भी खुश रहेंगे, अगर अंदर से आपको खुशी नहीं है तो आप बाहर कितनों दिखावा कर लें आप खुश नहीं रह पाएंगी। तो सेटिस्फैक्शन इज़ लार्जली अ मेंटल कंडीशन। अगला कह रहा है डैश इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता या फिर बापू किसको कहा जाता है, तो महात्मा गांधी जी को, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द यूरोपियन आर बिकमिंग स्लेव ऑफ डैश, यूरोपियन जो है, यूरोपियन वो गुलाम होते जा रहे हैं किसका, तो मटेरियल्स का, यानी कि सामानों का गुलाम होते जा रहे हैं, कहने का मतलब वो अपने से मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ जो भी मटेरियल्स है उसका यूज़ करते हैं। तो द यूरोपियन आर बिकमिंग स्लेव ऑफ मटेरियल्स। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिबोन, गिबोन इज़ एसोसिएटेड विथ, तो जैसा कि फ्राउस वो इजिप्ट के शासक थे, तो गिबन जो है वो एसोसिएटेड है इटली से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कि मिस्र के रूलर्स को, शासक को क्या कहा जाता है, तो जैसे कि हम लोग देख चुके थे ऑप्शन नंबर डी फ्राउस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हु हैव टू रीमॉडल दियर आउटलुक, किसको अपने आउटलुक को रीमॉडल करने की ज़रूरत है, तो यह है यूरोपियंस को, यूरोपियंस को अपने आउटलुक को रीमॉडल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है दिस इज़ हर ब्यूटी, दिस इज़ हर ब्यूटी, हेयर द टर्म हर स्टैंड्स फॉर, यानी कि दिस इज़ हर ब्यूटी में यहाँ पे जो टर्म हर आया है, वर्ड जो हर आया है, ये
किसके लिए आया? तो ये जो आया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडिया के लिए आया है। नेक्स्ट क्या है, द पीपल ऑफ यूरोप वॉज इंस्पायर्ड बाई डैश एंड डैश राइटर्स। पीपल ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप के लोग जो है वो इंस्पायर्ड थे, प्रेरित थे डैश एंड डैश राइटर्स से। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। अगला क्वेश्चन करा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ ऑब्लिक एन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऐसे है। क्या है? ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है, आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट इन्वेंट। आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीन्स बिकॉज आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीन्स बिकॉज यानी कि हम लोगों का जो एंसेस्टर्स है, हमारे पूर्वज, वो इन्वेंट नहीं किए, मशीन इन्वेंट नहीं किए। क्यों नहीं किए? तो ये इसलिए नहीं किए क्योंकि उससे हम लोग क्या हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, जैसा कि यूरोपियन सिविलाइजेशन के लोग हुए हैं। तो दीज वुड हैव मेड अस लेजी यानी कि वो यानी कि मशीन्स हम लोगों को लेज़ी बना देता, इसलिए नहीं किए थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड द माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। द इन्वेंशन यानी कि किस चीज़ का आविष्कार हमारे विकास में मील का पत्थर साबित हुआ? तो किस चीज़ का? तो फायर का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, फायर का विकास जो है, फायर का जो इन्वेंशन है, आविष्कार, ये हमारे डेवलप हमारे विकास में माइलस्टोन यानी कि मील का पत्थर साबित हुआ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द सेंटेंस आफ्टर ऑल दिस इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। यानी कि ये जो सेंटेंस है, आफ्टर ऑल दिस इज समथिंग इन हिंदुइज्म यानी कि हिंदुइज्म में कुछ तो है जो अब तक इसको जीवित रखा है, ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। नेक्स्ट है, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। यानी कि किसने 1915 से 1948 तक अपने आप को इंडियन पॉलिटिक्स में समर्पित कर दिया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी 1915 में कहाँ से आए? साउथ अफ्रीका से आए, साउथ अफ्रीका से। और 1916 में साबरमती आश्रम का जो है स्थापना किए, और 1917 में जो है वो वेस्ट चंपारण आए। तो कहने का मतलब 1915 से 1948 को गांधी युग कहते हैं। तो गांधी एराक बोला जाता है इसको। तो यानी कि गांधी जी जो है 1915 से 1948 तक अपने आप को समर्पित कर दिए इंडियन पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश सिविलाइजेशन। सिंपल लिविंग यानी कि साधारण रहन सहन और हाई थिंकिंग उच्च विचार उच्च सोच, ये किस सिविलाइजेशन का बेस है, आधार है? तो यह है इंडियन सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट है, डैश वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन जो है एक स्पिरिचुअल लीडर है एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा, एक राजनेता से ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर है? तो वह है महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी जी। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। यानी कि दुनिया का मशहूर जो एटिक सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे है? तो वो है ग्रीस में। कहाँ पे है? ग्रीस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश। तो जैसे कि जानते हैं गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए, कब? 1915 में यानी कि 1915 में। उसके बाद साबरमती आश्रम बनाए यानी स्थापना की 1916 में, और चंपारण यानी कि वेस्ट चंपारण आए थे वो 1917 में। चंपारण आए थे उस टाइम, उसका विभाजन नहीं हुआ था। तो 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टूवर्ड्स वन अनदर। इंडियन सिविलाइजेशन हमें सिखाता है, क्या सिखाता है? जो किसी के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली रहो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम बैरेंस।
किसने लार्ज सिटीज़ को बड़े बड़े शहरों को जाल के रूप में देखा? तो ये हमारे एंसेस्टर्स यानी कि आवर एंसेस्टर्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर क्वेश्चन कर रहा है, डेड डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के नज़र में नज़रिए से कौन डेड हो गए हैं? तो यानी कि महात्मा गांधी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बाई भारत इज माई होम को कंपोस्ट किया गया है, तो किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कंपोज किया गया भारत इज़ माई होम। वैसे जो है, जो ऑथर्स नेम है, राइटर्स नेम, इसके लिए मैं ट्रिक बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिया हुआ होगा, आप उस वीडियो को जाकर के देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी राइटर्स नेम नेम चाहे प्रोज हो या फिर पोएट्री सेक्शन हो, बिल्कुल भी आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा याद करने में, आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत इज़ माई होम इज़ अ ऑब्लिक एन, भारत इज़ माई होम ये क्या है? तो भारत इज़ माई होम ये एक स्पीच है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए थे 1967 में, यानी कि 1967 में ये स्पीच दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, जब वो राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बीकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे, कब? तो 1967 में, तभी वो ये स्पीच दिए थे भारत इज़ माई होम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है डैश इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, तो इनमें से कौन सा प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, प्रमुख इंस्ट्रूमेंट है, प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट है नेशनल पर्पस के लिए, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए इनमें से कौन सा प्राइम इंस्ट्रूमेंट है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एजुकेशन, एजुकेशन ये जो है प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशनल पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ टेस्ट, यानी कि एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो किसके क्वालिटी में इन्वॉल्व रहता है, शामिल रहता है? तो क्वालिटी ऑफ नेशन, यानी कि जैसा एजुकेशन का क्वालिटी होगा वैसा ही नेशन का क्वालिटी होगा, यानी कि एजुकेशन का क्वालिटी अगर बढ़िया होगा तो नेशन का क्वालिटी भी क्या होगा, अच्छा होगा, यानी कि वो नेशन बढ़िया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द गवर्नर ऑफ टेस, यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन वो गवर्नर थे, तो कहाँ का गवर्नर थे? तो वो उससे पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो महसूस करते थे बहुत ही ज़्यादा आभार, बहुत ही ज़्यादा शुक्र गुजार थे कहाँ के लोगों का? तो क्योंकि वो इंडिया के थे तो इंडिया के लोगों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल, यानी कौन से नेशन को, कौन से राष्ट्र को कहा जाता है यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, यानी कि प्राचीन पीपल का, प्राचीन लोगों का यंग स्टेट कहा जाता है कौन से राष्ट्र को? तो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वो बॉर्न हुए थे, तो जैसे कि ऑप्शन देख पा रहे हैं तो 1967 में तो वो स्पीच दिए थे और राष्ट्रपति बने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1897, ऑप्शन नंबर डी 1897। तो कहाँ हुए थे? तो ये ध्यान रखना हैदराबाद में, कहाँ पे? हैदराबाद में उसकी पैदाइश हुई थी, यानी कि वो बॉर्न हुए थे 1897, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन 1897। नेक्स्ट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, तो वो जो है डिलीवर किए थे, यानी कि भारत इज माई होम जो स्पीच है उसको किए दिए थे, कब? 1967 में, जब वो राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है, डैश वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डैश वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि कौन जो है रोल मॉडल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो एक बहुत ही महान क्या थे, नेशनलिस्ट थे, यानी कि बहुत ही बड़े राष्ट्र नेता थे, यानी कि कहने का मतलब राष्ट्रवादी नेता थे। नेक्स्ट कह रहा है हु हैज़ टेकन द ओथ ऑफ लॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसने
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति वफादारी का ओथ लिया यानी कि शपथ लिया, तो यह है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेट ब्राउट अ लॉट ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेजिडेंसी, यानी कि कौन जब प्रेजिडेंट बने यानी कि राष्ट्रपति बने तो बहुत ही ज़्यादा वो एरुडेशन लाए यानी कि ज्ञान लाए अपने प्रेजिडेंसी में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर राधा कृष्णन। अगेन हु सेड द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, किसने कहा जो पास्ट वो डेड नहीं हुआ है और वो स्थिर नहीं है बल्कि वो जीवित है और गतिशील है, तो ये कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि हम लोग पास्ट से बहुत सारी चीज़ सीखते हैं इसलिए उसको डेड और स्टैटिक नहीं कहा जा सकता है बल्कि वो अलाइव एंड डायनेमिक है। तो कह रहा अ पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाई, अ पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाई, तो चार ऑप्शन जैसा कि दिया हुआ है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो पिन से हम लोग याद रखे थे पिंचर यानी कि कार जो हो गया था वो पिंचर हो गया था, कहने का मतलब हो गया अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर हो जाएंगे मनोहर मालगांवकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देख लेते हैं। नेक्स्ट है नानू काका केम टू दिल्ली फॉर डैश डेज, नानू काका जो है वो दिल्ली जो आए थे वो कितने दिनों के लिए आए थे, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 डेज के लिए आए थे दिल्ली। नेक्स्ट है मालगांवकर इज़ लिविंग इन, यानी कि मनोहर मालगांवकर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ रहते थे, तो वो रहते थे दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दिल्ली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नानू काका है टेकन अ टिकट ऑफ विच क्लास, नानू काका जो है वो किस क्लास के ट्रेन के किस क्लास का टिकट लिए थे, तो ध्यान देना है दोस्तों वो लिए थे थर्ड क्लास का, यानी कि थर्ड क्लास का टिकट लिए थे लेकिन वो आए थे सेकेंड क्लास से, तो ध्यान रखेंगे थर्ड क्लास का टिकट लिए थे लेकिन आए थे सेकेंड क्लास से। नेक्स्ट है हु हैज़ कम टू स्टे विद द नरेटर फॉर 2 और 3 डेज, तो जैसे कि जानते हैं वो 2 और 3 डेज के लिए दिल्ली गए थे नानू काका, तो कौन नरेटर यानी कि लेखक के घर में लेखक के साथ रहने के लिए आए थे, तो कौन आए थे नानू काका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नानू काका गेव अ डैश रुपी नोट टू द धोबी, यानी कि नानू काका जो है वो कितना रुपी का नोट दिए थे धोबी को, तो धोबी को जो दिए थे वो 2 रुपीस नोट दिए थे यानी कि 2 रुपये का नोट दिए थे। नेक्स्ट है नानू काका वॉज स्टैंडिंग इन द डोर वे ऑफ विच कैरेज, नानू काका जो है किसके ट्रेन के किस कैरेज के डोर वे के पास खड़े थे, तो जैसे कि जानते हैं थर्ड क्लास का वो टिकट लिए थे लेकिन वो सेकेंड क्लास में से आए थे, यानी कि सेकेंड क्लास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पिंच ऑफ स्नफ इज़ अ ऑब्लिक एन, यानी अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो अ पिंच ऑफ स्नफ ध्यान रखना एक शॉर्ट स्टोरी है, कैसा स्टोरी है एक शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट अ पिंच ऑफ स्नफ इज़ अ डैश स्टोरी, अ पिंच ऑफ स्नफ इज़ अ डैश स्टोरी, तो ध्यान रखना अ पिंच ऑफ स्नफ इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी यानी कि हास्यास्पद, कहने का मतलब हंसाने वाली एक कहानी है, शॉर्ट छोटी कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज, यानी कि मिनिस्टर मंत्री का जो विभाग था पोर्टफोलियो था वो कौन सा विभाग था, तो वो था ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेलफेयर कल्याण विभाग में था। नेक्स्ट है नानू काका वॉज वियरिंग आ, नानू काका क्या पहने हुए थे, तो ध्यान रखना ब्लैक कोट पहने हुए थे, ब्लैक कोट यानी कि काला कोट पहने हुए थे नानू काका, ध्यान रखना है इसको। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रतिराम वॉज द सन ऑफ लाला, रतिराम जो है वो किसके सन थे, रतिराम जो है वो किसके सन थे, तो लाला सोहन लाल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन डैश, नानू काका को इंस्टॉल किया गया था शिफ्ट किया गया था कहाँ पे उसको रखा गया था, तो नरेटर्स रूम में यानी कि लेखक के रूम में रखा गया था नानू काका को। नेक्स्ट है नानू काका वॉज द डैश ऑफ नरेटर्स मदर, नानू काका नरेटर के माँ का क्या था, तो उसका भाई था यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नानू काका जो है वो नरेटर यानी लेखक की माँ का भाई था, कहने का मतलब नानू काका जो है लेखक का मामा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु डजंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ, किसने लोगों को सप्ताह महीनों से नहीं देखा, तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिस्टर यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नानू काका वॉज डैश ब्राह्मण, नानू काका
कहाँ का ब्राह्मण था? तो डेक्कनी ब्राह्मण, यानी कि डेक्कन के रहने वाले थे। कहने का मतलब दक्षिण भारत के रहने वाले थे। नानुका का, नानुका का वॉज डैश ब्राह्मण, डेक्कनी ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नानुका का हैड टेकन अ डैश फॉर हिज सिस्टर। नानुका का अपने बहन के लिए, अपने सिस्टर के लिए क्या लेके, क्या लिए? तो कीटन लिए, यानी कि बिल्ली का बच्चा लिए। नेक्स्ट है, मनोहर मालगांवकर इज अ ऑब्लिक एंड डैश राइटर। मनोहर मालगांवकर जो थे वो राइटर थे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चाइनीज, अफ्रीकन, ब्रिटिश या इंडो एंग्लियन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडो एंग्लियन। कहने का मतलब वो, उसका बर्थ इंडिया में हुआ था लेकिन वो इंग्लैंड में जाकर के बस गए थे। तो मनोहर मालगांवकर इज अ ऑब्लिक एंड डैश राइटर, तो इंडो एंग्लियन राइटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु एस्कॉर्टेड नानुका का टू द स्टेशन यार्ड, यानी कि स्टेशन यार्ड में, स्टेशन में किस नानुका का की रक्षा कौन किए थे? तो हो जाएगा यहाँ पे टीसी, यानी कि टिकट चेकर। आगे है, नानुका का हैड कम टू दिल्ली टू, यानी नानुका का जो है वो दिल्ली आए थे। नानुका का दिल्ली आए थे क्या करने के लिए आए थे नानुका का दिल्ली? तो सी सब मिनिस्टर्स, यानी कि कुछ मिनिस्टर्स से मिलने के लिए आए थे, कुछ मिनिस्टर्स को देखने के लिए या मिलने के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बोथ द नरेटर एंड नानुका का हैड गॉन टू डैश ऑटो डीलर टू बाई अ कार, यानी कि नरेटर, लेखक और नानुका का दोनों गए थे कार खरीदने के लिए ऑटो डीलर। तो कौन से ऑटो डीलर के पास? तो सिक्का ऑटो डीलर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सिक्का ऑटो डीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नानुका का टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर डैश रुपीज। नानुका का जो है अपने चेकबुक को निकाला और उसमें कितने रुपये का चेक लिखा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि 1000 रुपीज़ का, 1000 रुपये का चेक लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नानुका का हैड टाइड अ ह्यूज डैश टर्बन राउंड द नरेटर्स हेड। नानुका का जो है नरेटर्स के हेड के चारों ओर कैसा पगड़ी बांधा है, एक बड़ा सा कैसा पगड़ी बांधा? तो वो था पगड़ी ऑरेंज कलर का, यानी कि सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द नरेटर वॉज डैश, नरेटर जो है वो, लेखक जो है वो क्या थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, यानी कि अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, पर्यवेक्षा में अपर सचिव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिहार बोर्ड एग्जाम चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डैश वेन टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। डैश वेन टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, यानी कि जोधपुर कोर्ट में कौन मिनिस्टर्स से, डैश वेन टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, डैश वेन टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, जोधपुर कोर्ट में कौन मिनिस्टर थे? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनोहर मालगांवकर। नेक्स्ट है, हुज अनाउंसमेंट शुक मनोहर मालगांवकर, हुज अनाउंसमेंट शुक मनोहर मालगांवकर, किसका अनाउंसमेंट मनोहर मालगांवकर को हिला दिया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदर का। आगे, हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, किसने एक चुटकी खैनी लिया, किसने लिया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नानुका का लिए थे एक चुटकी खैनी, जो है वो कौन लिए थे? नानुका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज़ अ गार्निश येलो कार, हु हैज़ अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार हो जाएगा। तो किसके पास एक सजा हुआ येलो स्पोर्ट्स कार था? तो किसके पास था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रतिराम के पास था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानुका का कम टू दिल्ली, किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए नानुका का दिल्ली आए थे? तो जैसे कि चार ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है, फॉर अटेंडिंग जमींदार्स कन्वेंशन, फॉर राइटिंग एन एप्लीकेशन, फॉर टेकिंग अरेस्ट, फॉर पेइंग अ डेब्ट। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉर अटेंडिंग जमींदार्स कन्वेंशन, यानी कि जमींदारों की मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए थे नानुका का दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाई मालगांवकर, यानी कि कितने दिन की छुट्टी लिया गया था मालगांवकर के द्वारा? तो मालगांवकर के द्वारा छुट्टी लिया गया था सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का, यानी कि 2 डेज का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु हैड इंस्टॉल्ड नानुका का इन मालगांवकर रूम, यानी कि नानुका का को मालगांवकर के रूम में कौन शिफ्ट इंस्टॉल किया था, कौन उसमें रखा था? तो हो जाएगा उसकी अम्मी, यानी कि हिज मदर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनोहर मालगांवकर वॉज बॉर्न ऑन, मनोहर मालगांवकर जो है वो उसका जो है जन्म कब हुआ था, उसका जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 12 जुलाई 1913, यानी कि 12 जुलाई 1913 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मालगांवकर वॉज डाइड ऑन, यानी कि मालगांवकर की मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जून 2010, यानी कि 14 जून 2010 को उसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मालगांवकर वॉज बॉर्न इन डैश, मालगांवकर की वो जो है पैदा कहाँ हुए थे, यानी कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो उसका जन्म हुआ था मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हैव अ ड्रीम हैज़ बीन कम्पोज बाई, आई हैव अ ड्रीम हैज़ बीन कम्पोज बाई, तो आई हैव अ ड्रीम को कम्पोज किया गया है, तो हम लोग इसको ट्रिक्स याद किए थे, ड्रीम यानी कि सपना है, तो क्या बनने का सपना है, राजा बनने का, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका राइट आंसर होगा। आई हैव अ ड्रीम को कंपोज किया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बॉर्न ऑन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बॉर्न ऑन, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 जनवरी 1929, मार्टिन लूथर किंग जो है उसकी उसका जन्म जो हुआ था 15 जनवरी 1929 को हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो जॉर्जिया में हुआ था, एटलांटा जॉर्जिया में, ध्यान रखेंगे एटलांटा जॉर्जिया में हुआ था, मार्टिन लूथर किंग का जो जन्म हुआ था वो एटलांटा जॉर्जिया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज आ डैश, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो क्या थे, तो वो एक नेग्रो थे, यानी कि वो नेग्रो थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, एक नेग्रो थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग बिलोंग टू डैश, मार्टिन लूथर किंग जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो USA से बिलोंग करते थे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है टू विच स्टेट डज ही वॉन्ट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट, किस स्टेट को वो डेवलप्ड स्टेट देखना चाहते थे, यानी कि बिल्कुल विकसित राज्य देखना चाहते थे, तो वो देखना चाहते थे अलबामा को, अलबामा को वो जो है वो डेवलप्ड स्टेट देखना चाहते थे। नेक्स्ट कह रहा है डैश इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ द USA, डैश इज द डेजर्ट स्टेट ऑफ द USA, तो ध्यान रखना है मिसिसिपी एक डेजर्ट स्टेट है USA का, USA का जो डेजर्ट स्टेट है वह है मिसिसिपी, यानी कि यहाँ पे रेगिस्तान है। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है डैश चिल्ड्रेन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कितने बच्चे थे, तो इसको इनको 4 यानी कि 4 चिल्ड्रेन थे। नेक्स्ट है डैश वॉज अ ग्रेट ऑरेटर, कौन एक बहुत ही महान वक्ता थे, बहुत ही बड़े वक्ता थे, तो कौन थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज एसेसिनेटेड इन विच ईयर, यानी कि मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई, उसको शहीद कर दिया गया, कब उसको शहीद किया गया, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1968 को उसको उसकी हत्या उनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर गॉट द नोबेल प्राइज इन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज कब दिया गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज कब दिया गया, तो यहाँ पे इसको इनको दिया गया था 1964 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज 1964 में दिया गया था, कब दिया गया था, 1964 में मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज 1964 में, इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर गॉट द नोबेल प्राइज इन विच फील्ड, मार्टिन लूथर किंग को किस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था, तो मार्टिन लूथर किंग को पीस के फील्ड में, यानी कि शांति के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था, तो ध्यान रखना है नोबेल प्राइज टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं आगे। आई हैव अ ड्रीम इज अ डैश डिलीवर्ड बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव अ ड्रीम क्या है जिसको जो मार्टिन लूथर किंग जिसको संबोधित किए थे, तो एक स्पीच है, तो जहाँ पे भी डिलीवर आएगा यानी कि वो किसको डिलीवर कर रहे हैं, तो स्पीच को। आगे आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, यानी कि कितने सालों बाद भी नेग्रो फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि 100 ईयर्स, यानी कि 100 साल बाद भी नेग्रो आज़ाद नहीं है, तो आपके बुक में ध्यान रखना है वहाँ पे दिया हुआ है 5 स्कोर, 5 स्कोर यानी कि
ध्यान रखना एक स्क्वाड में 20 ईयर्स होते हैं, तो 5 स्क्वाड यानी कि 25 से कितना हो जाएगा 100 ईयर्स, तो ध्यान रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलीव्ड इन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो बिलीव करते थे, विश्वास रखते थे किसमें, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेशियल इक्वलिटी यानी कि जातीय समानता में वो विश्वास रखते थे, जबकि वो नापसंद करते थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के यानी कि जातीय विविधता को वो क्या करते थे डिसलाइक करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड दिस स्पीच ऑन द स्टेप्स ऑफ द डैस इन वॉशिंगटन DC ऑन August 28, 1963, यानी कि मार्टिन लूथर किंग ये स्पीच यानी आई हैव अ ड्रीम ये जो स्पीच है वो दिए थे वॉशिंगटन DC में कब, 28 अगस्त 1963 में, तो वॉशिंगटन DC में कहाँ दिए थे, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यानी कि लिंकन मेमोरियल में, कहाँ पे दिए थे लिंकन मेमोरियल में। आगे हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधी जी, कौन गांधी जी से प्रभावित थे, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे कौन गांधी जी से, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यानी कि मार्टिन लूथर किंग बहुत ही ज़्यादा गांधी जी से क्या थे प्रभावित थे, बहुत ही ज़्यादा गांधी जी से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर यूज्ड डैश एज हिज चीफ वेपन, मार्टिन लूथर किंग जो है वो चीफ वेपन मुख्य हथियार के रूप में किसका यूज़ किए थे, तो जैसे कि हम लोग अभी ऊपर देखे ऊपर के क्वेश्चन में जो वो गांधी जी के फैन थे कहने का मतलब फॉलोअर थे, तो उसका जो चीफ वेपन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नॉन वायलेंस, कहने का मतलब क्या होगा नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा होगा, क्या होगा अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, कौन जो है नॉन वायलेंट स्ट्रगल का एडवोकेट्स एडवोकेट किया था यानी कि उसका अधि वकालत किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पॉल एस बक, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हु वर अबैंडन्ड इन अमेरिका, किसको अमेरिका में छोड़ दिया गया या फिर त्याग दिया गया उसको, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेग्रो को। आगे है डैश इज नॉट एन एंड बट अ बिगिनिंग, डैश इज नॉट एन एंड बट अ बिगनिंग यानी कि कौन अंत नहीं है बल्कि ये क्या है शुरुआत है, कौन अंत नहीं है बल्कि एक शुरुआत है, तो 19 इसका हो जाएगा 63 यानी कि 1963 ये क्या है अंत नहीं है बल्कि ये एक शुरुआत है, यानी कि जब ये भाषण दिया गया था तो बोला था जो ये एक बोले थे जो ये एक अंत नहीं बल्कि ये एक क्या है शुरुआत है 1963। आगे है द बैंक ऑफ जस्टिस इज, यानी कि जो न्याय का जो बैंक है वो क्या हो चुका है दिवालिया हो चुका है यानी कि बैंकरप्ट हो चुका है और इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यानी कि आइदर ए और सी यानी कि ए या सी, तो यानी कि बैंक ऑफ जस्टिस न्याय का जो बैंक है वो क्या हो चुका है बैंकरप्ट हो चुका है यानी कि दिवालिया हो चुका है इंसॉल्वेंट हो चुका है, यानी कि हो जाएगा आइदर ए और सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ डैश विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, मेरा एक ड्रीम है जो एक दिन कौन सा स्टेट ट्रांसफॉर्म होगा यानी कि बदलेगा, तो कौन सा स्टेट बदलेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अलबामा, और यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे ए नंबर भी होगा राइट आंसर और डी नंबर भी होगा, तो ऑप्शन में आपको जैसा दिया जाएगा उसको आपको टिक लगाना है, यानी कि मेरा एक सपना है जो एक दिन कौन सा स्टेट ट्रांसफॉर्म होगा यानी कि वो चेंज होगा, तो अलबामा भी है और मिसिसिपी भी है, तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसी को आपको टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, कौन जो है अन्याय और दमन के आग से झुलस रहा है, तो कौन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिसिसिपी, कौन हो जाएगा मिसिसिपी। नेक्स्ट क्या कह रहा है देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो किसको प्यार करते थे पसंद करते थे, तो लव्स द वाइट अमेरिकन यानी कि वाइट अमेरिकन को वो पसंद करते थे। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड यानी कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इसको किसने लिखा, तो यहाँ पे काइंड आ रहा है यानी कि दयालु, तो जैसे कि जानते हैं जो रसेल जो है वो बिल्कुल भी दयालु नहीं है बॉलर पर, तो यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बर्ट्रेंड रसेल, तो इस तरह से मैं याद कराया हूँ आपको इसमें क्या बोलते हैं वो ट्रिक वाले वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है बर्ट्रेंड रसेल वॉज अ डैश पोएट, बर्ट्रेंड रसेल वॉज अ डैश पोएट यानी कि बर्ट्रेंड रसेल जो है वो कहाँ के पोएट थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी कि ब्रिटिश पोएट यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे वो, तो हो जाएगा ब्रिटिश पोएट। नेक्स्ट है वेन वॉज बर्ट्रेंड रसेल बॉर्न, वेन वॉज बर्ट्रेंड रसेल बॉर्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1872 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेन डिड बर्ट्रेंड रसेल पास अवे, वेन डिड बर्ट्रेंड रसेल पास अवे, तो इसका जो राइट आंसर होगा पास अवे का तो हो जाएगा 1970। तो ध्यान रखना है उसका बर्थ है 1872 और उसका मतलब वो डाई मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है 1970 में, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट कह रहा है बर्ट्रेंड रसेल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, बर्ट्रेंड रसेल को नोबेल प्राइज का अवार्ड दिया गया था तो किस फील्ड में दिया गया था, आप इसको बताएंगे अगर आपको पता हो तो। तो इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि लिटरेचर, इसको जो है बर्ट्रेंड रसेल को जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो किस में दिया गया था, लिटरेचर में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बर्ट्रेंड रसेल गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन डैश, यानी कि बर्ट्रेंड रसेल को जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया वो कब दिया गया, तो 1950 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसेल वॉज अ हिस्टोरियन एंड डैश, रसेल जो थे बर्ट्रेंड रसेल वो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, उसके साथ ही साथ और क्या थे, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, फिलोसफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, यानी हिस्टोरियन भी थे, फिलोसफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, तो जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको आपको टिक लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वॉज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, यानी कि इनमें से कौन जो है बहुत सारे टॉपिक का कमेंटेटर थे, यानी कि उस पर बोलने वाले थे, वक्ता थे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बर्ट्रेंड रसेल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हु रोट आई एम वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु रोट वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बर्ट्रेंड रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस इज, यानी कि ह्यूमन रेस के स्टडी को बोलते हैं तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ध्यान रखना एंथ्रो का मीनिंग होता है ह्यूमन और पोलॉजी का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन, पोलॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो ध्यान रखना आपको, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, तो ये वन वर्ड वाला हो गया सब्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी, तो सिविलाइजेशन जो है वो हमें सिखा था क्या करने के लिए, ह्यूमन या फिर काइन, तो जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको टिक आउट कर देना यानी कि टिक लगा देना, सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी ह्यूमन या काइन। आगे हु आर होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस कौन कौन है, तो ह्यूमन यानी कि ह्यूमन को होमोसेपियंस भी कहा जाता है और होमोसेपियंस ह्यूमन की ही एक प्रजाति है। नेक्स्ट है इन दोज डेज द नंबर ऑफ पर्सन वॉज वेरी, तो उन दिनों नंबर ऑफ पर्सन जो है शुरुआत के दिनों में वेरी स्मॉल यानी कि बहुत कम थे। द नेक्स्ट है द होमोसेपियंस वेयर टेरिफाइड ऑफ, होमोसेपियंस जो है वो डरे हुए थे, किससे डरे हुए थे, तो वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवरों से वो क्या थे, डरे हुए थे। नेक्स्ट है इन द अर्ली एज द डैश वी आर अ वेरी रेयर स्पीसीज, मतलब अर्ली एज में शुरुआत के दिनों में कौन सा बहुत ही दुर्लभ प्रजाति था, तो वो था होमोसेपियंस यानी कि मनुष्य की प्रजाति बहुत ही दुर्लभ प्रजाति थी, बहुत कम मिलती थी। नेक्स्ट है अ सडन ग्रेट डिजास्टर इज कॉल्ड, बहुत ही अगर अचानक बहुत ही बड़ा अगर डिजास्टर होता है तो उसको बोलते हैं कैटेस्ट्रोफ यानी कि हिंदी में बोलते हैं प्रलय, क्या बोलते हैं प्रलय, तो ध्यान रखना इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अ सडन ग्रेट डिजास्टर इज कॉल्ड कैटेस्ट्रोफ। नेक्स्ट है द वर्ड हर्सूट मीन्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कवर्ड विद हेयर। नेक्स्ट है समथिंग दैट इज़ फ्रॉम बर्थ, तो उसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल यानी कि जन्मजात, उसको बोलते हैं हिंदी में जन्मजात यानी कि जो बर्थ से ही हो, जन्म से ही हो, उसको बोलते हैं जन्मजात यानी कि कॉन्जेनिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है बर्ड ऑफ पैसेज मीन्स, तो बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है माइग्रेट करना यानी कि एनी बर्ड दैट माइग्रेट सीजनली, सीजन के हिसाब से जो बर्ड माइग्रेट करता है उसको बोलते हैं बर्ड ऑफ पैसेज। नेक्स्ट है दोस्तों द ह्यूमंस वियर डैश एगाइल
कंपेयर टू मंकी, एगाइल मतलब फुर्तीला, ह्यूमंस जो है वो मंकी का कंपेयर में फुर्तीला है, तो क्या ज़्यादा फुर्तीला है या कम, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेस। नेक्स्ट है व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन, यानी कि कौन सा चीज़ है जो जो मनुष्य के लिए ग्लोरी का बात है, गर्व का बात है, गौरव का बात है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए भी होगा, बी नंबर भी होगा, यानी इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल क्वालिटी, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट है एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगन, यानी कि किस स्टेज में लैंग्वेज की शुरुआत हुई, तो व्हेन ह्यूमन बिगन टू हंट, व्हेन ह्यूमन बिगन टू वॉक, व्हेन ह्यूमन वॉज डेवलपिंग या नॉट नोन, तो लैंग्वेज की शुरुआत कब हुई इसके बारे में नहीं पता, यानी कि नॉट नोन। आगे है लैंग्वेज बिगन वेरी, तो यहाँ पे इसको काट देंगे, यहाँ पे है लैंग्वेज बिगन वेरी, लैंग्वेज बिगन वेरी, तो लैंग्वेज की शुरुआत हुई तो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, लैंग्वेज की शुरुआत बहुत ही धीरे धीरे हुई, काफ़ी टाइम लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ डिड द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकड़ी बिगिन, यानी कि कुकड़ी यानी कि जो आग में पकाने का जो शुरुआत हुई वो किस तरह से शुरुआत हुई, तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाय थ्रोइंग मीट इनटू द फायर, यानी कि फायर में मीट गिर जाने के कारण उसको जब टेस्टी लगने लगा तो वहीं से आग में पकाने की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वॉज द आर्ट, यानी कि प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक जो इन्वेंशन है उसमें लास्ट इन्वेंशन क्या है, तो आर्ट ऑफ राइटिंग यानी कि लिखने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच क्रिएचर्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर, यानी कि कौन सा जो क्रिएचर्स है प्राणी है वो विंटर सीजन में भूख के कारण मर जाते हैं, तो वो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बर्ड, क्योंकि वो बर्ड क्या कर जाते हैं माइग्रेट कर जाते हैं, इसलिए विंटर में एक जगह से दूसरी जगह। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाई, द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाई, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आर्टिस्ट यानी कि आर्टिस्ट, तो कैसा आर्टिस्ट है नया है, यानी कि इसमें नया कहीं पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिगा नोया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिस्ट इज़ अबाउट अ टैलेंटेड डेस बॉय, द आर्टिस्ट जो है ये एक टैलेंटेड बॉय के बारे में है, तो वो टैलेंटेड बॉय कहाँ के थे, तो वो थे जैपनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हेन वॉज शिगा नोया बॉर्न, शिगा नोया जो है कब उसकी पैदाइश हुई, उसका जन्म कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1883 को, 1883 को उसकी पैदाइश हुई थी, उसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन डिड शिगा नोया डाई, यानी शिगा नोया की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द आर्टिस्ट इज अ ऑब्लिक एन, द आर्टिस्ट जो है क्या है, तो जैसे कि चार ऑप्शन दिया है शॉर्ट स्टोरी स्पीच नॉवेल एंड एसे, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आर्टिस्ट क्या है एक शॉर्ट स्टोरी यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिगा नोया इज अ ऑब्लिक एन डैश राइटर, शिगा नोया जो है वो कहाँ की राइटर थी, तो वो जैपनीज राइटर थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेबी वॉज अ डैश ईयर ओल्ड बॉय, सेबी जो है वो कितने साल का लड़का था, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा 12 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग ऑफ डैश, सेबी का हॉबी था, शौक था उसको किसको इकट्ठा करने का, तो गॉड्स को यानी कि लौकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों फॉर वॉट सेबी यूज टू वांडर हेयर एंड दियर इन द टाउन, यानी कि किस चीज़ के लिए, किसके लिए सेबी अपने शहर में इधर उधर भटकते रहता था, तो जैसे कि उसका शौक था गॉड को इकट्ठा करने का, तो गॉड के लिए, गॉड्स के लिए यानी कि लौकी के लिए वो इधर से उधर भटकते रहता था। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों ही अप्लाइड डैश लिप्स टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, यानी वह जो है जो गॉड स्मेल था यानी कि लौकी का जो गन था उसको दूर करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए क्या यूज़ करता था, तो वो टी लिप्स का यूज़ करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि टी लिप्स चाय की पत्तियों का यूज़ वो करता था। नेक्स्ट है वन डे ही वॉज स्ट्रोलिंग अलॉन्ग द
एक दिन वह स्ट्रोलिंग यानी कि वो टहल रहा था, घूम रहा था, कहाँ पे, तो बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है द ओल्ड वीमेन आस्क डैश सेन फॉर द लिटिल गॉड। द ओल्ड वीमेन आस्क डैश सेन फॉर द लिटिल गॉड, यानी कि ओल्ड वीमेन जो है बूढ़ी औरत, वो लिटिल गॉड छोटा लौकी के लिए कितना सेन बोला, उसको कितना सेन दाम या फिर कीमत बोला गया, तो 10 यानी कि 10 सेन कहा गया था। आगे है गॉड इज अ डैश, तो गॉड क्या, लौकी एक फ्रूट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हु कन्फिस्केटेड द लिटिल गॉड। कन्फिस्केटेड मतलब होता है जब्त करना, तो लिटिल गॉड को कौन जब्त कर लिया था, लिटिल गॉड को तो जब्त कर लिया था उसके टीचर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उसके टीचर ने लिटिल गॉड को जब्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों द लिटिल गॉड दैट सेबी बॉट इन 10 सेन वॉज 10 इंचज लॉन्ग। लिटिल गॉड जो सेबी खरीदा था 10 सेन में, वो कितना लंबा था, तो 5 इंच, यानी ध्यान रखेंगे 5 इंच लॉन्ग था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड सेबीज फादर यूज टू स्मैश द गॉड इन टू पीसेज, यानी कि सेबी के पिता किस चीज़ का यूज़ करते थे गॉड को पीस में, यानी कि टुकड़ों में, टुकड़ों टुकड़े करने के लिए, गॉड का टुकड़े करने के लिए, तो हैमर का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आफ्टर लिविंग द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स, तो जैसे कि जानते हैं सेबी का हॉबी था कलेक्टिंग गॉड्स, तो उसको छोड़ने के बाद सेबी इंग्रोस्ड इन हिस, यानी कि सेबी जो है वो इंग्रोस्ड हो जाता था, मशगूल हो जाता था वो किस में, पिक्चर में, यानी कि पिक्चर पेंटिंग करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेबी लिव्ड इन अ डैश टाउन, सेबी कैसे टाउन में रहते थे, तो वो रहते थे हार्बर टाउन में। हार्बर टाउन ऐसे टाउन को बोलते हैं जहाँ पे बंदरगाह होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेबी वॉज स्टडिंग इन अ डैश स्कूल, सेबी वॉज स्टडिंग इन अ डैश स्कूल, तो कैसे स्कूल में पढ़ाई करते थे वो, तो प्राइमरी स्कूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है व्हाट अमाउंट डिड द क्यूरियो डीलर पे फॉर द कन्फिस्केटेड गॉड, यानी कि क्यूरियो डीलर जो है वो उस जब्त गॉड के लिए कितना रुपये पे किया, कितना रुपया उसको दिया, तो उसको दिया गया था 50 येन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 50 येन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर 10 येन, वही क्यूरियो डीलर जो है वो 50 येन में लिया, लेकिन उसको एक वेल्दी कलेक्टर को, धनी कलेक्टर को बेच दिया, कितना येन में, तो 600 येन में, यानी कि 600 येन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द टीचर गेव सेबीज कन्फिस्केटेड गॉड टू एन ओल्ड डैश हु वर्कड इन द स्कूल, सेबी का टीचर जो है सेबी का जो जब्त किया हुआ गॉड था वो एक बूढ़ी पॉटर को दे दिया था, यानी कि ओल्ड पॉटर को जो स्कूल में काम करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु वॉज स्कॉल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, हु वॉज स्कॉल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, किसको डांटा जाता था पिक्चर पेंटिंग करने पर, किसको डांटा जाता था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हु यूज टू पॉलिश द गॉड अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम, कौन क्लास के टाइम में डेस्क के नीचे गॉड को पॉलिश किया करता था, तो वो था सेबी, यानी कि उसी को तो गॉड को कलेक्ट करने का हॉबी था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पॉटर सॉल्ड द गॉड ऑफ सेबी फॉर 10 येन, पॉटर जो है सेबी के गॉड को कितने येन में सॉल्ड किया, यानी कि बेचा, तो ऑप्शन है 40, 50, 60, 70, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 येन में, कितना येन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 50 येन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ द 5 इंचज गॉड इज 10 येन, द प्राइस ऑफ द 5 इंचज गॉड इज 10 येन, 5 इंचज गॉड का जो है प्राइस वो कितना था, तो वो था 10 सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड, वर्ड जो है ड्रामा ये कौन से वर्ड से आया है, तो ग्रीक वर्ड से, यानी कि यूनानी वर्ड से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों
हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट का मेन कैरेक्टर कौन है, तो जैसे कि हम लोगों को पता चल गया होगा कौन है, सेबी है। नेक्स्ट है यू आर एन इडियट, यू आर एन इडियट शाउटेड, किसने चिल्लाया तुम एक बेवकूफ हो, तो उसके टीचर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेबीज फादर वर्कड एट डैश शॉप, सेबी के पिता कैसे शॉप में वर्क करते थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि कारपेंटर शॉप में। नेक्स्ट है वन डे सेबी वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज टीचर, कौन से टीचर के द्वारा सेबी को रंगे हाथों पकड़ा गया था, तो एथिक्स टीचर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द टीचर बिकेम वेरी डैश विद सेबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, टीचर जो है किसको बहुत ज़्यादा डांटा क्योंकि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, तो काफ़ी एंग्री हो गया था टीचर उससे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अ चाइल्ड इज बॉर्न हैज़ बीन पेंड बाई, अ चाइल्ड इज बॉर्न, उसको पेंड किया गया है किसके द्वारा, तो इसको ट्रिक के द्वारा बताए थे, जो बॉर्न, बॉर्न मतलब जन्म लेना, तो जर्म, जर्म ऐसे कुछ आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है जर्म, यानी कि जर्मेन ग्रियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जर्मेन ग्रियर इज अ ऑब्लिक एन ड्रेस राइटर, जर्मेन ग्रियर जो है वो कहाँ की राइटर थी, राइटर थे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलियन राइटर थे वो। नेक्स्ट है जर्मेन ग्रियर वॉज बॉर्न इन, जर्मेन ग्रियर जो है वो कब, वो उसकी, उसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1939 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मेन ग्रियर वॉज बॉर्न इन, जर्मेन ग्रियर जो है उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो जैसे कि जानते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा मेलबॉर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मेलबॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है जर्मेन ग्रियर वॉज बॉर्न एंड एडुकेटेड इन, तो जर्मेन ग्रियर जैसे कि जानते हैं जो जहाँ जन्म, कहाँ पे जन्म हुआ उसका, तो ऑस्ट्रेलिया में, तो वहीं पे जन्म हुआ उसका और वहीं पे वो एजुकेशन पाया, यानी कि एजुकेशन भी वहीं पे लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ चाइल्ड इज बॉर्न हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वन ऑफ हर बुक्स, यानी कि अ चाइल्ड इज बॉर्न जो है वो इनमें से उनके कौन से बुक्स में से अ चाइल्ड इज बॉर्न को लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यानी कि सेक्स एंड डेस्टिनी, इससे अ चाइल्ड इज बॉर्न को लिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन, ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि चिल्ड्रेन के बर्थ से संबंधित जो मेडिसिन का ब्रांच है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स, यानी कि प्रसूति विज्ञान बोलते हैं हिंदी में उसको, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इन बांग्लादेश, इन बांग्लादेश डैश इज अ काइंड ऑफ फेयरी टेल्स, इन बांग्लादेश डैश इज अ काइंड ऑफ फेयरी टेल्स, बांग्लादेश में इनमें से कौन एक फेयरी टेल्स परियों की कहानी का टाइप है, काइंड है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूप थोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूप थोका इज टोल्ड बाय, तो जैसे कि एक फेयरी टेल परियों की कहानी है, तो ये किसके द्वारा कहा गया, तो मदर के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड वेन द बेबी इज डैश डेज ओल्ड, नेमिंग सेरेमनी जो है वो नाम रखने का जो सेरेमनी होता है वो कब रखा जाता है, जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है तब नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है। नेक्स्ट है अ प्रेगनेंट वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस डैश, एक प्रेगनेंट वुमेन को बहुत सारे रीति रिवाज को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि बहुत सारे रीति रिवाज को का पालन करना पड़ता है, यानी कि ताबूज रिचुअल्स कस्टम्स, यानी ऑल ऑफ द एवर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अ प्रेग्नेंट वुमेन इन अ डैश सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज अलोन, यानी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन कैसी सोसाइटी में, कैसे समाज में वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती है, तो वो हो जाएगा ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी ऐसा सोसाइटी जिसमें मतलब वो उसका दादा दादी भी हो, चाचा चाची भी हो, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, यानी कि कहाँ पे जो बच्चा 5 साल या फिर 6 साल का हो जाता है,
5 साल या 6 साल के होने तक वहाँ पे वो जिम्मेदारी रहती है उसको पालन पोषण करने का, उसकी देखभाल करने का पूरे फैमिली का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश में। कहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर? बांग्लादेश में, यानी कि इसको किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गार्लैंड्स ऑफ डैश वी आर गिवेन टू अ न्यू बेबी। गार्लैंड्स ऑफ डैश गिवेन वेयर गिवेन टू अ न्यू बेबी, यानी कि गार्लैंड्स मतलब होता है फूलों की हार। तो फूलों की हार दिया था किस चीज़ का? टर्मेरिक एंड गार्लिक का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत एंड बी, यानी कि लहसुन का और अदरक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डैश वीमेन विजिट्स मदर्स हाउस एज अ रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी। कौन सी वीमेन, कहाँ की वीमेन जो है ना अपने माँ के घर जाती है प्रेगनेंसी के रिवॉर्ड में, जब वो प्रेगनेंट हो जाती है तो अपने माँ के घर चली जाती है। तो सिलहेटी वीमेन्स हो जाएगा, यानी कि सिलहेटी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वीमेन विजिट्स हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डैश वीमेन, यानी कौन वीमेन प्रेगनेंसी के दौरान अपने माँ के घर जाती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एन इंडियन। क्या हो जाएगा? एन इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलहेटी वीमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवेन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ। सिलहेटी वीमेन और उसके बच्चे को न्यू ड्रेस दिया जाता है, कब दिया जाता है? जब बच्चा 7 दिन का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग स्ट्रोंगर, यानी कि कोई चीज़ को मजबूत बनाने का जो एक्ट है, काम है, उसको वो कहा जाता है री इन्फोर्समेंट। ध्यान रखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये यूज होता है। नेक्स्ट डेट डैश विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट्स इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। कौन जो है एक बहुत ही विशाल मॉडर्न हॉस्पिटल देखा साउथ अफ्रीका में जो बंटू पेशेंट्स के लिए था? तो बंटू वहाँ की प्रजाति है, तो वहाँ का जो है जनजाति है, सॉरी जनजाति है बंटू। तो उसके लिए साउथ अफ्रीका में बहुत ही एक बढ़िया हॉस्पिटल था, वो किसने देखा? तो शीला किडजिंगर। तो शीला किडजिंगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इन द डैश द हस्बैंड एंड वाइफ एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। कहाँ पे जो है ना हस्बैंड और वाइफ ज़्यादा अपने आप को फ्रीडम महसूस करती है, यानी कि ज़्यादा आज़ाद महसूस करती है? तो यह जगह वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं हाउ फ्री इज द प्रेस हैज़ बीन कम्पोज बाई, हाउ फ्री इज द प्रेस हैज़ बीन कम्पोज बाई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डोरोथी एल सियर्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डोरोथी एल सियर्स वॉज बॉर्न इन, डोरोथी एल सियर्स वॉज बॉर्न इन। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? डोरोथी एल सियर्स वॉज बॉर्न इन। तो राइट आंसर हो जाएगा 1893, यानी कि 1893 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डोरोथी एल सियर वॉज डाइड इन, डोरोथी एल सियर वॉज डाइड इन, यानी कि उसकी मृत्यु कब हुई डोरोथी एल सियर की? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1957, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाउ फ्री इज द प्रेस इज अ ऑब्लिक एन, हाउ फ्री इज द प्रेस ये क्या है, यानी कि स्टोरी है, ऐसे है, स्पीच है, या फिर नन है? तो यहाँ पे हो जाएगा एक ऐसे, यानी कि ऐसे हो जाएगा हाउ फ्री इज द प्रेस एक क्या है, ऐसे है। नेक्स्ट है डोरोथी एल सियर्स वॉज डैश, डोरोथी एल सियर्स क्या थे? तो ऑप्शन है एसेइस्ट पोएट प्ले राइट ऑल ऑफ द एबव। तो जैसे कि जानते हैं एसेइस्ट तो वो थे ही, पोएट भी थे और प्ले राइट भी थे, यानी कि गाना भी लिखने का काम करते थे। यहाँ यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिस सियर्स सेड शी वुड राइट नो मोर प्लेस एक्सेप्ट ऑन डैश। मिस सियर्स कहती थी जो वह अब किसी भी और दूसरे चीज़ पर प्लेस नहीं लिखेगी एक्सेप्ट ऑन, यानी कि किसको छोड़कर? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ने कमीशन के टॉपिक को छोड़कर बाकी किसी में वो प्लेस नहीं लिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डोरोथी एल सियर्स इम्पोर्टेंट वर्क्स आर, डोरोथी एल सियर्स का जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो कौन कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, नाइन टेलर्स, यानी ये तीनों है। तो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज़ पावर टू मेक और ब्रेक, किसके अंदर ये पावर है जो वो बना भी सकता है और
बिगाड़ भी सकता है, तो यह है मीडिया के पास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, डैश कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर का जो रेवेन्यू आता है वो किससे आता है, तो एडवर्टाइज़र से आता है, यानी कि एडवर्टाइज़र उसमें एडवर्टाइजमेंट करता है जिससे न्यूज़पेपर का रेवेन्यू आता है। नेक्स्ट है डैश इज कॉल्ड अ वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको डेमोक्रेसी का वॉच डॉग यानी कि देखभाल करने वाला कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्रेस को, यानी कि मीडिया को, प्रेस को, एक ही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस और सेंसरशिप ऑफ द डैश, यानी कि प्रेस का फ्रीडम का कहने का मतलब है जो वो किसी के भी सेंसरशिप और इंटरफेरेंस यानी कि गवर्नमेंट के, सरकार के सेंसरशिप से, सरकार की बंदी से वो क्या हो, फ्री हो, यानी कि सरकार उस पर रोक नहीं लगा सकती है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस और सेंसरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सरकार के हस्तक्षेप से वो क्या हो, बिल्कुल ही आज़ाद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो डैश, यानी कि अगर प्रेस फ्री जहाँ पे नहीं रहेगा तो वहाँ पे कोई भी फ्री पीपल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेस फ्री रहेगा तभी पीपल फ्री हो पाएगा, अपने जो है बातों को सरकार तक पहुँचा पाएगा। नेक्स्ट है द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, यानी कौन प्रेस जो है वो पूरी तरह से फ्री नहीं है, सिंगुलरली फ्री है, तो वो है ब्रिटिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन पहली वीमेन थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की थी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डोरोथी एल्सियर्स, ध्यान रखना कब की थी, तो 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेंसरशिप मस्ट बी इम्पोज ड्यूरिंग, हाँ ध्यान रखना है सेंसरशिप उसको इम्पोज किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है कब, जब इमरजेंसी हो या फिर वॉर हो, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, जब इमरजेंसी हो या फिर वॉर हो तो उस वक्त सेंसरशिप उसको क्या किया जा सकता है, इम्पोज किया जा सकता है। नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ सप्रेसिंग पब्लिकेशन ऑफ एनी आइटम, यानी कि कोई भी आइटम के पब्लिकेशन को रुकवाना, रुकवाने की पॉलिसी, पॉलिसी क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेंसरशिप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एज्यूम दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, कौन ऐसा एज्यूम करता था जो रीडर्स जो है वह कोई भी चीज़ पर बिलीव कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिटलर एंड नॉर्थ क्लिफ, हिटलर एंड नॉर्थ क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रॉप राइटर ऑफ द न्यूज़पेपर हैज़ डैश, तो जो भी न्यूज़पेपर का जो प्रॉप राइटर होते हैं उसका क्या होता है, एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाई, जो पॉपुलर डेली न्यूज़ है पेपर है उसका जो एडिटोरियल पॉलिसी है उसको कंट्रोल किया जाता है, तो दो चीफ फैक्टर्स के द्वारा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करके बिहार बोर्ड एग्जाम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डैश आर केयरफुल नोट टू एंटेगोनाइज द प्रेस, डैश आर केयरफुल नोट टू एंटेगोनाइज द प्रेस, कौन जो है प्रेस से बिल्कुल सावधान रहता है, प्रेस से दुश्मनी मोल नहीं लेता है, तो कौन, पॉलिटिशियन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हु इज द मास्टर द पीपल और द स्टेट, हु इज़ द मास्टर द पीपल और द स्टेट, यानी कि कौन मास्टर है, द पीपल कौन मालिक है, पीपल या फिर स्टेट, तो जैसे हम लोग जानते हैं कौन मालिक कौन होता है, पीपल होता है, यानी कि पीपल के ही अंदर सारी शक्ति होती है। नेक्स्ट है हु इज़ द एस्टर ऑफ द स्टेट, स्टेट का जो है मालिक कौन होता है, तो होता है पीपल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द ऑथर हैड डिलीवर्ड डैश वर्ड्स इन द स्पीच ऑफ एन आवर एंड अ क्वार्टर, यानी कि एक घंटा 15 मिनट के स्पीच में ऑथर कितने वर्ड्स को डिलीवर किए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20,000 वर्ड्स को। नेक्स्ट है साइनोनिम्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का जो साइनोनिम्स है पर्यायवाची है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यानी कि इनकम।
नेक्स्ट है हैविंग नो मनी एट ऑल, हैविंग नो मनी एट ऑल, तो इसका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन सा हो जाएगा, तो बैंकरप्सी यानी कि दिवालिया। ये देख पा रहे हैं, कह रहा द अर्थ इज रिटन बाई, द अर्थ जो है लिखा गया है तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन जैसे कि है ए नंबर मनोहर मालगांवकर, बी है जाकिर हुसैन, सी है एच ई बैट्स एंड डी है नन ऑफ दिस। तो द अर्थ जो है लिखा गया है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एच ई बैट्स के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है दोस्तों, एच ई बैट्स वॉज बॉर्न इन, एच ई बैट्स जो है उसका जन्म हुआ था तो कब हुआ था दोस्तों, तो उसका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यानी कि 1905 यानी कि 1905 में उसका जन्म हुआ था 1905 में। नेक्स्ट है एच ई बैट्स डाइड इन, यानी कि एच ई बैट्स की मृत्यु हुई थी तो कब हुई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1974 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एच ई बैट्स बिलोंग टू, एच ई बैट्स जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो एच ई बैट्स जो है वो बिलोंग करते थे इंग्लैंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा इंग्लैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द राइटर्स वर्कड फॉर समटाइम्स एज अ जर्नलिस्ट, यानी कि इनमें से इन राइटर्स में से कौन कुछ समय के लिए जर्नलिस्ट पत्रकार वाला काम किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एच ई बैट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एच ई बैट्स इंपॉर्टेंट वर्क इज ऑब्लिक आर, यानी एच ई बैट्स का इम्पोर्टेंट वर्क जो है वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए द जैकेरेंडा ट्री, ऑप्शन नंबर बी है द स्कारलेट स्वॉर्ड और सी नंबर में है द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे और डी में है ऑल ऑफ द एबव, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द एबव, तो एच ई बैट्स का इम्पोर्टेंट वर्क इनमें से सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एच ई बैट्स फर्स्ट नॉवेल वॉज पब्लिश्ड When he was only 10 years old, एच ई बैट्स का पहला नॉवेल जो है वो पब्लिश हुआ जब वो सिर्फ और सिर्फ कितने वर्ष के थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 years old, यानी कि जब वो 20 years के थे 21 साल के थे तभी उसका फर्स्ट नॉवेल जो है वो पब्लिश हो चुका था। नेक्स्ट है द अर्थ इज अ ऑब्लिक एन, तो द अर्थ क्या है, तो एक स्टोरी है यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, द अर्थ क्या है एक स्टोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जॉनसन वॉज अ पुअर, जॉनसन क्या थे एक, तो एक पुअर फार्मर थे यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एक पुअर फार्मर थे। नेक्स्ट है ऑल दैट जॉनसन हैड द डैश, ऑल दैट जॉनसन हैड द अर्थ यानी कि जॉनसन के पास क्या था एक क्या था जमीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जॉनसन हैड डैश लैंड, जॉनसन हैड डैश लैंड, जॉनसन के पास कितना लैंड था, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 acre लैंड था यानी कि 4 acre जमीन था उसके पास। नेक्स्ट है हु हैज अ बॉनी ब्राउन मेयर, किसके पास एक घोड़ी था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉनसन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बेंजाई हैड लेफ्ट स्कूल एट, बेंजाई हैड लेफ्ट स्कूल एट यानी कि बेंजाय जो है स्कूल छोड़ दिया था कितने साल के एज में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यानी कि 14 years के एज में वो स्कूल छोड़ दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजाय गोट मैरिड टू, बेंजाय जो है वो किससे शादी किया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया यानी कि फ्लोरेंस से शादी किया, किससे शादी किया फ्लोरेंस से। नेक्स्ट है बेंजाय मैरिड फ्लोरेंस एट द एज ऑफ 10, बेंजाय जो है वो फ्लोरेंस से शादी किया तो कितने साल के एज में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 40 years एज में, बेंजाय जो है वो फ्लोरेंस से शादी किया 40 years के एज में यानी कि 40 साल के एज में वो उससे शादी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु वॉज द रियल ओनर ऑफ द लैंड, हु वॉज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड यानी कि उस लैंड का उस जमीन का जो रियल ऑनर था वो कौन था, यानी कि उस जमीन का रियल ऑनर जो है वो कौन था, तो जैसे कि ऑप्शन देख पा रहे हैं बेंजाय है, सैंडर्स है, फ्लोरेंस है, उसके बाद जॉनसन है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सैंडर्स,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सैंडर्स इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सैंडर्स हो जाएगा। जो लैंड का जो है असल में मालिक कौन था, वो सैंडर्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑक्यूपेशन डिड बेंजा इन्वॉल्व, बेंजा जो है किस कौन सा ऑक्यूपेशन में, कौन सा पेशा में इन्वॉल्व था, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैन फार्मिंग। बेंजा जो है वो हो जाएगा हैन फार्मिंग, यानी कि वो मुर्गी का फार्मिंग करता था, कारोबार करता था। नेक्स्ट, एट फर्स्ट बेंजा केप डैश हैंस, यानी कि शुरुआत में बेंजा के पास कितना हैन था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 to 12। यहाँ पे राइट आंसर हो गया, यानी कि शुरुआत में उसके पास 10 to 10 से 12 ही मुर्गियाँ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन बेंजा टुक हिज पासबुक इट हैड मोर देन 10 pounds। जब बेंजा ने पासबुक लिया तो उसके खाते में, उसके अकाउंट में कितना पाउंड्स था, तो 230, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बेंजा गॉट हिज पासबुक एट द एज ऑफ, बेंजा जो है अपना पासबुक पाया या लिया कितने साल के एज में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि 21 ईयर के एज में, 21 साल के एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉर मेनी ईयर्स बेंजाइज फादर हैड बीन अ लोकल, यानी कि कई सालों तक बेंजाय के पिता क्या थे, एक लोकल प्रीचर थे, यानी कि उपदेशक थे, तो प्रीचर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड बेंजाइज फादर रेंटेड द लैंड, बेंजाय के पिता कितने साल के लिए उस ज़मीन को रेंट पर लिए थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 40 ईयर्स के लिए, 40 साल के लिए बेंजाय के फादर जो है यानी कि जॉनसन जो है वो उस लैंड को किराए पर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बेंजाइज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, बेंजाय के पेरेंट्स बेंजाय का के माता पिता पसंद नहीं करते थे किसको, बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, उसके ग्रे आइज के कारण पसंद नहीं करते थे, किसको पसंद नहीं करते थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उसका ग्रे आइज था। नेक्स्ट है, बेंजाय वॉज द सन ऑफ, बेंजाय किसका सन था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉनसन का, बेंजाय जो है वो जॉनसन का सन था, बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हु सेड यू आर पीपल ऑन लैंड, किसने कहा यू आर पीपल ऑन लैंड, तो कहा था डॉक्टर ने, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है, डैश इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजाय, कौन एक फार्मर जॉनसन और उसके बेटे बेंजाय के बारे में है, तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं इस चैप्टर का नाम क्या है, तो द अर्थ है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज वीक इन माइंड, एक आदमी जो दिमाग का कमज़ोर हो तो उसको बोलते हैं इम्बसिल, यानी कि अल्पबुद्धि, अल्पबुद्धि बोलते हैं उसको, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये यूज़ हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं, बोल रहा है इंडिया थ्रू आर ट्रेवलर्स आई हैज़ रिटर्न बाई, यानी कि इंडिया थ्रू आर ट्रेवलर्स आई, इस ये जो है लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पर्ल एस बक, पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया इंडिया थ्रू आर ट्रेवलर्स आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है, व्हेन वॉज पर्ल एस बक बॉर्न, यानी कि पर्ल एस बक का जन्म कब हुआ, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1892, पर्ल एस बक का जो जन्म हुआ था वो 1892 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पर्ल एस बक डाइड इन विच ईयर, पर्ल एस बक जो है वो किस साल उसकी मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1973, यानी कि उसका जो है वो बॉर्न हुआ था 1892 में और उसकी डेथ हुई थी 1973 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पर्ल एस बक वोन द नोबेल प्राइज फॉर, पर्ल एस बक वोन द नोबेल प्राइज फॉर, पर्ल एस बक को किसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो पर्ल एस बक को लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पर्ल एस बक वोन द नोबेल प्राइज़ इन विच ईयर, तो जैसा कि जानते हैं पर्ल एस बक को नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में दिया गया था,
तो किस ईयर में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि 1938 में दिया गया था, यानी कि 1938 में उसको नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर यानी कि साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पर्ल एस बक लर्न अबाउट इंडिया थ्रू, यानी पर्ल एस बक जो है इंडिया के बारे में जाना किसके थ्रू? तो बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिज्म के थ्रू, यानी कि बुद्धिज्म के थ्रू वो इंडिया के बारे में जानकारी लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्ल एस बक्स इंपॉर्टेंट वर्क्स आर, पर्ल एस बक का इंपॉर्टेंट वर्क्स इनमें से कौन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है कम माई बिलव्ड, सेकेंड में ऑप्शन है द गॉड्स अर्थ, थर्ड में है माई सेवरल वर्ड्स, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कम माई बिलव्ड, द गॉड्स अर्थ, माई सेवरल वर्ड्स, ये सभी उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। नेक्स्ट है शी वॉज रियर्ड इन, यानी कि रियर्ड मतलब होता है पलना बढ़ना या फिर पालन पोषण होना। तो उसका जो है पालन पोषण कहाँ पे हुआ था या वो पली बढ़ी कहाँ थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइना में। पर्ल एस पग जो है वो चाइना में पली बढ़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द एक्टिव मेंबर ऑफ द हाउस, यानी कि हाउस का एक्टिव मेंबर कौन था? तो उसका यंगर ब्रदर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इंडिया थ्रू आर ट्रेवलर्स आई इज अन इंस्पायरिंग, यानी इंडिया थ्रू आर ट्रेवलर्स आई जो है ये एक इंस्पायरिंग क्या है, प्रेरित करने वाला ऐसे है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा ऐसे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पर्ल एस बक इज अ ऑब्लिक एंड डैश राइटर, पर्ल एस बक जो है वो एक राइटर है, तो कहाँ की है? अमेरिकन, तो यानी कि अमेरिका की, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अमेरिकन राइटर है, क्या है? अमेरिकन राइटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इज अ वीमेन ऑफ डैश, यानी कि यूएनओ को जो है जनरल यूएनओ की जनरल असेंबली यानी महासभा का जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ की एक महिला है? तो इंडिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डैश हैज प्रेस्ड इंडियन पीपल एंड दियर लाइफ, कौन जो है इंडियन पीपल भारतीय लोगों और उसके जीवन को की प्रशंसा की है, यानी कि उसकी तारीफ की है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्ल एस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द लाइफ स्पैन इन इंडिया वॉज ओनली डैश ईयर्स, यानी कि इंडिया के लोगों का लाइफ स्पैन जो है जीवन जो चक्र है वो कितना साल का है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 27 ईयर्स, यानी पर्ल एस बक के अनुसार जो लाइफ स्पेन जो है इंडिया के लोगों का वो कितना था? तो 27 ईयर्स, यानी कि 27 वर्ष। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु रोट कम माई बिलव्ड, किसने लिखा कम माई बिलव्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्ल एस बक। पर्ल एस बक जो है वो कम माई बिलव्ड लिखे थे, किसने लिखा था? पर्ल एस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ल एस बक हैड अ ऑब्लिक एंड डैश फैमिली डॉक्टर, पर्ल एस बक के पास जो है एक फैमिली डॉक्टर था, तो वो कहाँ का था? तो इंडियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि पर्ल एस बक हैड एन इंडियन फैमिली डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट इज, यानी कि कौन सा ऐसा ग्रेट लेसन है, महान पार्ट है, बड़ा पार्ट है जो इंडिया को इंडिया वेस्ट को सीखना चाहिए, यानी कि पश्चिमी देशों को सीखना चाहिए इंडिया से, यानी कि इंडिया से ऐसा कौन सा ग्रेट लेसन है जो पश्चिमी देशों को सीखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि ह्यूमैनिटी, यानी कि उसको मानवता के बारे में इंडिया से सीखना चाहिए वेस्ट को, यानी कि पश्चिमी देशों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लैंड बिटवीन डैश एंड डैश वॉज फेमिस्ट, यानी कि कहाँ और कहाँ के बीच का लैंड फेमिस्ट हो चुका था, यानी कि पूरा वहाँ पे अकाल पड़ चुका था, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉम्बे एंड मद्रास। तो बॉम्बे का भी नाम है मुंबई एंड मद्रास का नाम आपका चेन्नई, क्या हो जाएगा? चेन्नई, यानी कि
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉम्बे एंड मद्रास के बीच का लैंड जो है वो क्या हो चुका था, वहाँ पे अकाल पड़ चुका था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बॉम्बे का भी नाम है मुंबई और मद्रास का चेन्नई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर वॉज इन्वेडेड बाई डैश बारबेरियन इन्वेडर्स, कश्मीर पर जो है वो आक्रमण कर लिया गया था किसके द्वारा, तो वाइट बारबेरियन इन्वेडर्स इन्वेडर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज द वर्ड कलर रिमाइंड द राइटर ऑफ, यानी कि ये कलर जो वर्ड है इससे राइटर को किस चीज़ का याद आता था, तो इंडियन लाइफ यानी कि भारतीय जीवन का याद आता था किसको, राइटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु प्लेड अ ग्रेट रोल इन एक्सचेंज ऑफ कोरियन प्रिजनर्स, यानी कि कोरियन प्रिजनर्स को, कोरियन जो प्रिजनर्स है उसको एक्सचेंज करने में, उसको छुटकारा दिलाने में किसने बहुत ही बड़ा रोल निभाया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडियन जनरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द इंडियंस बिलोंग टू द डैश रेस, ऑथर के अनुसार इंडियंस जो है वो डैश रेस से बिलोंग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि कॉकेशन, कॉकेशन रेस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर, द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर, यानी कि ऑथर के अनुसार जो कोई भी लीडर होता है उसका जो मेन क्वालिटी होता है, जो मुख्य गुण होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर है कम्युनलिज्म, सेल्फिश, डिसऑनेस्टी या सेल्फलेसनेस, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसका जो सबसे मेन क्वालिटी होता है वो क्या होता है, सेल्फलेसनेस, यानी कि वो खुद के बारे में नहीं सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल एस बक विजिटेड इंडिया टू सी द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड द डैश, पर्ल एस बक जो है वो इंडिया को विजिट करने के लिए गया था, क्या करने के लिए, तो यंग यानी कि यहाँ पे यहाँ के युवा बुद्धिजीवियों को, और किसको देखने के लिए, तो पीजेंट्स को यानी कि किसानों को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अ मैरिज प्रोपोजल हैज पेंड बाई, अ मैरिज प्रोपोजल को पेन किया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंटन चेखव, एंटन चेखव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंटन चेखव वॉज बॉर्न इन, एंटन चेखव जो है उसका जन्म हुआ था, तो जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1860 में एंटन चेखव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटन चेखव वॉज डाइड इन, एंटन चेखव जो है वो उसकी मृत्यु हुई थी, तो उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1904 में, यानी कि 1904 में उसकी मृत्यु हुई थी एंटन चेखव की, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट, एंटन चेखव वॉज अ ऑब्लिक एंड डैश राइटर, एंटन चेखव जो थे वो कहाँ के राइटर थे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रशियन राइटर थे, रशिया के यानी कि रूस के वो राइटर थे। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करा, एंटन चेखव वॉज अ डैश बाई प्रोफेशन, एंटन चेखव जो है वो पेशे से क्या थे, तो पेशे से एक डॉक्टर थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि एंटन चेखव पेशे से, ऑक्यूपेशन से क्या थे, वो एक डॉक्टर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एंटन चेखव बिगेन हिज कैरियर बाई राइटिंग डैश, एंटन चेखव जो है अपने कैरियर की शुरुआत किए थे क्या लिख के, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि कॉमिक स्केचेस लिख करके वो अपने कैरियर की शुरुआत किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अ मैरिज प्रपोजल इज अ डैश, अ मैरिज प्रपोजल एक क्या है, तो एक कॉमेडी या फिर इसको ड्रामा बोल सकते हैं, जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको आपको टिक लगाना है, यानी कि अ मैरिज प्रपोजल क्या है, एक कॉमेडी है या फिर ड्रामा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वॉज अ ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रशिया, कौन जो है रशिया का एक ड्रामाटिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंटन चेखव जो है वो कहाँ के थे, रशिया के थे, और ड्रामाटिस्ट भी थे, ड्रामा भी लिखते थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, द गाइड हैज़ रिटर्न बाई, द गाइड हैज़ रिटर्न
भाई। तो द गाइड को लिखा गया किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखेंगे, आर के नारायण के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द गाइड को किसके द्वारा लिखा गया है, तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव इज अ नाइबर ऑफ टेस। लोमोव जो है वो किसके किसका पड़ोसी है, तो ऑप्शन नंबर है रोमोकोव, मोनोकोव, डेनिकोव और चुबोकोव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोमोव जो है वो चुबोकोव का क्या है, पड़ोसी है। नेक्स्ट है, लोमोव वॉज द डैश ऑफ चुबोकोव। तो वही क्वेश्चन है, रिपीट किया गया है अलग टाइप से। तो लोमोव जो है चुबोकोव का क्या था, तो पड़ोसी था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नाइबर था। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चुबोकोव वॉज अ डैश। चुबोकोव क्या थे, तो चुबोकोव क्या थे, तो लैंड ऑनर थे, यानी कि ज़मींदार थे। लैंड ऑनर थे यानी कि ज़मींदार थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डैश इज द डॉटर ऑफ चुबोकोव। डैश इज द डॉटर ऑफ चुबोकोव। चुबोकोव के डॉटर का क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि नेटालिया। नेटालिया जो है वो चुबोकोव के डॉटर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव वॉज डैश ईयर्स ओल्ड। लोमोव जो है वो कितने साल के थे, तो लोमोव कितने साल के थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 35। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि लोमोव जो है वो 35 ईयर्स ओल्ड थे, यानी कि 35 साल के थे। नेक्स्ट है, हुज फादर वॉज अ गैम्बलर। हुज फादर वॉज अ गैम्बलर, यानी कि किसके पिताजी एक जुआड़ी थे, यानी कि जुआ खेलते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोमोव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेटालिया एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्स मीडोज। ऑक्स मीडोज मतलब होता है चारागाह। तो नेटालिया और कौन ऑक्स मीडोज के लिए झगड़ रहे थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोमोव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ऑक्स मीडोज, यानी कि उस चारागाह का जो है एरिया क्षेत्रफल कितना था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40 एकर्स। उसका जो है क्षेत्रफल जो था, एरिया था, वो 40 एकर्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज द यंगेस्ट आंट ऑफ लोमोव। लोमोव का जो है यंगेस्ट आंट कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेस्टेसिया। नेस्टेसिया जो है वो लोमोव की यंगेस्ट आंट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लोमोव बॉट हिज डॉग फ्रॉम मिरोनोव फॉर डैश रूबल्स। तो ध्यान रखना है, लोमोव जो है अपने डॉग को किससे ख़रीदा था, मिरोनोव से। कितने रूबल्स में, तो रूस का जो है करेंसी क्या है, रूबल है। कितने रूबल्स में, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 125 रूबल्स में वो जो है मिरोनोव से अपने डॉग को ख़रीदा था। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ द डॉग ऑफ लोमोव इज। तो लोमोव के डॉग का नाम क्या है, तो गीज है। ऑप्शन नंबर ए गीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेटालियाज डॉग नेम इज, यानी कि नेटालिया का डॉग का क्या नाम है, तो नेटालिया का जो डॉग का नाम है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीप। नेटालिया के डॉग का क्या नाम है, तो उसका डॉग का नाम है लीप, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज मैड इन लव विथ लोमोव। कौन जो है लोमोव के प्यार में पागल थी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेटालिया जो है वो लोमोव के प्यार में पागल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटालिया वॉज डैश ईयर्स ओल्ड। नेटालिया जो है वो कितने साल की है, तो कितने साल की थी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि 25 ईयर्स ओल्ड की। नेक्स्ट है, द डॉग ऑफ नेटालिया वॉज बॉट फॉर डैश रूबल्स। द डॉग ऑफ नेटालिया वॉज बॉट फॉर डैश रूबल्स, तो यानी कि नेटालिया का डॉग जो है कितने रूबल्स में ख़रीदा गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि 85 रूबल्स में। 85 रूबल्स में नेटालिया अपने डॉग को ख़रीदा था, जिसका नाम था लीप, और जो है लोमोव ख़रीदा था 125 रूबल्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।